जा रही हूँ अभी घर पे तैयार व्यार होने, क्योंकि आज मुझे जाना है मेहंदी के इवेंट में। यहाँ पे इनका वेट कर रही हूँ, मैंने इनको कॉल करके बुलाया। ड्रेस भी कर लिया है, आज मैं ये ड्रेस पहन रही हूँ। अब और सीरम भी तैयार होने के लिए रेडी हूँ। हाँ, मेरी हुई थी शादी, तो कैंडी और पॉपकॉर्न्स मिल रहे हैं। आया है ये गोलगप्पे की प्लेट है एक, और ये दो। होंगे, खैरियत से होंगे। सो अभी यहाँ पे बज रहे हैं 7:15 रात के, और आज रात से मैं व्लॉग उस टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ आज का व्लॉग, क्योंकि आज के व्लॉग में ऐसा नहीं क्या करो। सो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये देखिए हमारे घर में लग रही है लाइटिंग्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। का वक्त है, अभी ये ऑन हुई नहीं है क्योंकि अभी ये उस तरफ लग रही है लाइट्स, ऊपर से लड़ियाँ फेंक रहे हैं, मतलब कि वो डाल रहे हैं कि लाइट्स जो है फुल कंप्लीट हो जाए। इस तरफ का एरिया हो गया है और इस मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल फिर ये लाइट्स ऑन हो जाएंगी। सो मैं जा रही हूँ अभी घर पे तैयार व्यार होने, क्योंकि आज मुझे जाना है मेहंदी के इवेंट में। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जहाँ पर मेरी शादी हुई थी उसी बैंक्वेट में है। सो आज मैं वहाँ जा रही हूँ, और मेहंदी का इवेंट है हमारा, हम वो अटेंड करने जा रहे हैं। सो आप लोग साथ रहिएगा, मैं दिखाती रहूँगी कब कब क्या क्या कैसे कैसे हो। यहाँ पे इनका वेट कर रही हूँ, मैंने इनको कॉल करके बुलाया है कि आप आ जाएं, ताकि मैं अपने कपड़े वगैरह, क्योंकि मैं मामा के घर आई हुई थी, तो मैं अपने जो ड्रेसेस वगैरह हैं वहाँ से निकाल लूँ, प्रेस कर लूँ। बिकॉज़ आपको पता है पाकिस्तान में लाइट का कोई पता नहीं होता है, कभी भी किसी भी वक्त लाइट चले जाती है। तो मैंने कहा कि मैं अपने कपड़े वगैरह, ड्रेस वगैरह, जो भी मुझे आज का आउटफिट चूज़ करना है, उसको चूज़ करना भी एक बहुत बड़ा काम है लेडीज़ के लिए, आप लोग समझ सकते होंगे। वुमेन समझ सकते होंगे, तो उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है। तो फिर मैंने उनको बोला है, अभी उनको बुलाया, तो यहाँ पर मैं उनका अभी वेट कर रही हूँ, जैसे ही वो आएंगे तो हम घर चलते हैं। फिर ए फ्यू मोमेंट्स लेटर हूँ अपने घर पे, और ड्रेस वगैरह मैंने निकाल लिया है और प्रेस भी कर लिया है। आज मैं ये ड्रेस पहन रही हूँ अपना, ये मेरा मेरे Hey, I can't look at this. जो वेयर होने वाला है, और जीरम भी यहाँ तैयार होने के लिए रेडी होने के लिए बैठी हुई है इंतज़ार में, और हम भी यहाँ पे अभी तैयार होंगे और फिर हम लोग जाएंगे शादी में। और ये गेम खेल रहे, और ये अपना मेकअप का भी कुछ अपनी जो चीज़ें हैं वो लेके आ गई है। सो यहाँ पर अभी हम तैयार होंगे, फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको। 2000 years later लोग आ गए हैं बैंक्वेट में, और यहाँ मेरी हुई थी शादी, और यहीं मेरे पोजेस हमारे बने थे, और अब हम अंदर जाएंगे। बातें करते हुए आएंगे दोस्तों, ये हमारा है एंट्रेंस विराम। चलो फुल लाइटिंग है और ये इनके मजे आ रहे हैं। जीराम, तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और मेहंदी का फंक्शन देख सकते हैं माशाल्लाह से, कितना ही कोई खूबसूरत सेटअप है। आ जाओ इब्राहिम, और अभी वहाँ कुछ है तो देखते हैं क्या है। सीरम लेने जा रही है, तो कैंडी और पॉपकॉर्न्स मिल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं पॉपकॉर्न्स हैं और कैंडी। यहाँ पर जो है वो चने की चाट वगैरह सर्व हो रही है। यहाँ पे हम लोग ये ले आए हैं, ये गोलगप्पे की प्लेट है एक, और ये दो चाट हैं जो इन्होंने यहाँ पर स्टार्टर में सर्व किए। बच्चों ने कॉटन कैंडीज ली हैं और भी पॉपकॉर्न भी लेने गए हैं, और हम आज डर रहे हैं पता नहीं क्यों। लाइटिंग से, लाइटिंग से और सेटअप वगैरह से। Years later आ गया, और हम साहब पहले देख रहे हैं, और ये आप लोग देख सकते हैं सैलेड आ गया, और यहाँ रायता है, दीजिएगा वो दिखेगा।
रायता आ गया है। ये तो रायता है यहाँ पर। ये तो मुझे कोई चटनी लग रही है। ये देखिए, ये मुझे चटनी लग रही है, चटनी है। यहाँ पे ये वाली चटनी है, ये वाली और ये वाली। कौन है ये लोग? मैं और ये अभी तक सिर्फ इन्होंने पराठे ही रखे। तो रुको जरा, सबर करो। की रबड़ी जो कि हम लोग आधा इंसाफ कर चुके हैं और आधा हम कर रहे हैं, और ये खाने की हालात है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।